मैं दिनेश हरियाणा भिवानी से। एक्चुअली एक बार मेरा ट्रांसप्लांट हो चुका है, मैंने चंडीगढ़ से करवाया था, तो 2020 दिसंबर में मैंने करवाया था। तो वहाँ से मैंने फ्रंट हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था और 3,500 के आसपास मेरे ग्राफ्ट उन्होंने लगाए थे। तब तो काफी सही लग रहा था, मतलब इतना मुझे पता भी नहीं था रिजल्ट क्या रहेगा, उसके बाद ही पता चलता है। पर जब कम्प्लीट रिजल्ट आ गया तो इतना कुछ लगा नहीं, क्योंकि जैसे टेम्पल वगैरह बनाए हैं या हेयर लाइन है तो उसमें थोड़ा इशू था, ग्राफ्ट एकदम जैसे टेम्पल के खड़े हैं, तो एकदम से फिर से तो करवा नहीं सकते थे। मैंने 2 साल अराउंड वेट किया, तो फिर मुझे के बारे में YouTube से पता चला, मैं वीडियो वगैरह देखता रहता हूँ, तो यहाँ पे भी जैसे काफी दूर पड़ता है हरियाणा से ये, तो काफी वीडियो मैंने इसके बारे में देखी, और जो वीडियो मैंने देखी जिस देख के मैं आया हूँ, राजपाल यादव सर जी की मैंने वीडियो देखी थी, मतलब इतना ट्रस्टेड है, सेलिब्रिटीज भी यहाँ से करवा रहे हैं, तो मैंने भी यहीं का प्लान बनाया और कॉन्टेक्ट किया यहाँ से। तो स्टाफ जो बिहेवियर था या फिर जो बात की, मुझे काफी अच्छा लगा, सपोर्टिव लगा। और यहाँ पे मैं 2 दिन पहले ही आया हूँ, यहाँ के मेरे को 6 दिसंबर की डेट मिली थी और टेस्ट ब्लड टेस्ट वगैरह मेरे हो चुके हैं। तो कल रात को, जैसे आज मेरा ट्रांसप्लांट होना है, मुझे नींद तो आई नहीं एक्चुअली, मतलब ये लग रहा था कि हो जाता है, जैसे मेरा हो चुका है पहले, बट फिर भी नर्वसनेस हो ही जाती है कि क्या होगा आगे, क्या क्या प्रोसेस है। तो यहाँ से जो मेरा ट्रांसप्लांट होना है वो फ्रंट का और क्राउन एरिया का भी होना है, तो अभी देखते हैं कि क्या कुछ रिजल्ट रहता है, कैसा रहता है। बाकी मेरे को जो यहाँ पे कम्प्लीटली अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही अच्छा रहा है, और आई होप आगे भी अच्छा ही रहेगा। नाउ यू कैन बुक अ फ्री ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन विद आवर एक्सपर्ट्स बाय क्लिकिंग ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो मेरी अभी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है, 3,800 ग्राफ्ट मुझे लगे हैं, और जो स्टाफ का बिहेवियर था बहुत ही अच्छा था, सपोर्टिव स्टाफ था, जब भी मुझे कुछ नीड हुई एकदम तुरंत अवेलेबल हुआ वो चीजें। हाइजीन बहुत ज्यादा थी, एकदम साफ सफाई का ध्यान रखा गया था, और पेन तो मतलब बिल्कुल नहीं हुआ, जस्ट जैसे कांटा लगता है नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, बाकी बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, एकदम स्मूथ, और मुझे पता ही नहीं लगा। एक्चुअली मैं तो बीच बीच में सो भी जाता था, मुझे पता ही नहीं लगता था, आराम से सर्जरी हो रही थी। अभी तो जस्ट रिजल्ट का वेट करना है, और जो भी मुझे प्रॉब्लम आएंगे या बीच में मुझे कुछ सजेशन चाहिए होगा, मैं कांटेक्ट करूंगा डॉक्टर से या जो भी स्टाफ है, बहुत ही सपोर्टिव है, हर चीज का सोल्यूशन यहाँ पे मतलब मेरे को तुरंत मिल जाता है, कुछ भी वेट नहीं करना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हमारी हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।